आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ बातों को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत 1987 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तत्वाधान में तंबाकू के सेवन से बढ़ते रोगों की वजह से मृत्यु दर में बढ़ोतरी को देखा, जिसे एक प्रकार का महामारी माना गया। जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर 7 अप्रैल 1988 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके बाद हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू क्या है? निकोटीनिया प्रजाति के पत्तों से तंबाकू तैयार किया जाता है। यह शरीर के लिए बेहद ही घातक होता है, लेकिन लोग इसे अलग अलग प्रकार से सेवन करते हैं, जैसे कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी पान, इसमें मिलाकर खाना आदि इसके रूप हैं। तंबाकू को धीमा जहर भी कहा जाता है। यह धीरे धीरे व्यक्ति को मौत के मुंह में ले जाता है। डॉक्टरों की माने तो इसके धुएं में लगभग 7000 प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं, जिसके धुएं से व्यक्ति अनेक तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन की वजह से हमारे शरीर की जो खून की जो नलियां है वह सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से खून की जो बहने की जो गति है वह धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 30% लोग गुटखा तथा तंबाकू के शौकीन हैं। भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू और गुटखा छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे जिंदा ही नहीं बचते। विश्व भर में हर साल लगभग 70 लाख लोग तंबाकू के लगातार सेवन से मर जाते हैं। तंबाकू सेवन और सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली कैंसर जैसी बड़ी घातक बीमारियों से लेकर जान जाने का भी बिल्कुल खतरा बना हुआ है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी था। इसके गले का कैंसर अब इसके दिमाग तक फैल चुका है। वो जहाँ भी जाते थे जीत के आते थे। तंबाकू सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। प्लीज अंकल लोग गुटखा, तंबाकू इन सब का सेवन ना करें। अगर आप वास्तव में गुटखा और तंबाकू की लत को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपने मुंह को हाइड्रेट यानी कि गीला करके रखना होगा, जिससे आपको नशे की कम तलब लगेगी। किसी भी लत को छोड़ने के लिए दो बातें जरूरी है, पहली इच्छा शक्ति और दूसरी संगत। सबसे पहले खुद तय करें कि तंबाकू से पीछे छुड़ाना है। किसी के कहने या दबाव में आने पर ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि मन पक्का कर ले तो सफलता निश्चित मिलेगी। दूसरी बात, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो खुद तंबाकू खाते हैं और दूसरों को भी जबरदस्ती खिलाते हैं। यदि आप लंबे समय से सेवन कर रहे हैं तो उस लत को छोड़ने के लिए धीरे धीरे करके प्रयास करें और खाने की सीमा कम करें। डाइट में आप संतरा, अंगूर, अमरूद, तरबूज जैसे फल को आप शामिल कर सकते हैं। रात के समय या टीवी देखते समय या फिर काम करते समय इसे खाने की आदत होती है। आप इसके लक्षणों को पहचानें और फिर अपनी इच्छा में नियंत्रण करें। इस तरह से धीरे धीरे ये लत छूट जाएगी। तंबाकू और गुटखा के सेवन को छोड़ने के लिए एक समय तय करें। छोड़ दो बीड़ी, गुटखा, शराब, क्यों करते हैं आप इनसे खुद को खराब। जिसने दिया तंबाकू को निमंत्रण, समझो आ गया उसको मौत का आमंत्रण। तो आइए आज से प्रण करें, तंबाकू बंद करें। तंबाकू से दूर रहकर अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखें। देश को तंबाकू मुक्त बनाएं।